इतने अच्छे अरेंजमेंट के लिए। सर मैं 4 बार सफारी कर चुका हूँ जंगल की, बट सच में इसका अच्छा एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा। इससे पहले भी कहीं खाने की प्रॉब्लम हो जाती थी, कहीं लाइट की प्रॉब्लम हो जाती थी, तो इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है सुबह आपके ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक। स्टाफ बहुत सपोर्टिंग है, जो डिमांड हो रही है पूरी हो रही है। पानी चाहिए तो तुरंत आ जाता है। खाने में कभी भी ये शिकायत नहीं हुई किसी को कि गर्म नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट टाइम के बाद भी आपने खाना प्रोवाइड कराया। ट्रैकिंग में मैं नहीं जा पाया, बट ट्रैकिंग सबसे मैंने सुना बहुत अच्छी ट्रैकिंग है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अदरवाइज हम लोग जहाँ भी गए बस में बैठ के कल डैम पे, लेपर्ड मुझे देखने को मिला कल रात को। अकेले था मैं यहाँ पे और एकदम से मेरा आमना सामना हो गया लेपर्ड से। मेरी तो सर घबराहट में आवाज मैंने तो हल्ले मचा दिया, बट वो एक अजब सा एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैं कई जगह गया टाइगर सफारी में, तो एक बार ही मुझे रणथंभौर में दिखा, अदरवाइज दिखता नहीं है कहीं भी। यहाँ पे लेपर्ड साइटिंग होना एक मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। थैंक यू शाली। थैंक यू विशाल जी एंड टीम फॉर हैविंग अस हियर। नाइट ट्रैकिंग के बारे में मैं बताना चाहूंगा क्योंकि सचिन सर ने वो मिस किया। सर एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला जहां आपको बस लेट के आगे बढ़ सकते हो, वो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इतना अंधेरे में जाना और इतनी ऊपर चढ़ जाना रात में, वो सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इतना एडवेंचर ट्रिप मैं किया हूँ, बट ये केव्स में अंदर जाना वाज वन ऑफ द बेस्ट व्हिच आई हैव सीन। थैंक यू। थैंक यू। मैं मोशन परिवार की तरफ से जो इस लेपर्ड नेचर कैंप के ऑर्गेनाइजर्स हैं मिस्टर विशाल मित्तल सर का धन्यवाद अदा करना चाह रहा हूं, जिन्होंने हमें ये बहुत खूबसूरत जगह देखने के लिए आमंत्रित किया। और हम सब लोग कोटा से यहां पर आए हैं। पूरी टीम जितना मोटिवेटेड होकर के यहां से जा रही है, जितना अच्छा इन लोगों ने पूरे 2 दिन यहां पर गुजारे हैं, शायद एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो जीवन भर याद रहेगा। सुबह यहां पर पहुंचने से लेकर के रात को 2 कब बज गए किसी को भी नहीं मालूम पड़ा। पूरा जैम पैक टाइट शेड्यूल था और एक एक एक्टिविटी बहुत जबरदस्त एक्टिविटी थी। सुबह जब ट्रैकिंग पर गए तो लग रहा था कि इतनी ऊंची पहाड़ी कैसे चढ़ पाएंगे, लेकिन आप लोगों के साथ से, आप लोगों के विश्वास से, सब लोग जो टीम में मेंबर्स हैं वो बहुत ऊंचाई पहाड़ी तक गए। यहाँ पर एक वो बहुत अच्छा झरना भी था जहाँ पे बहुत मीठा पानी सब लोगों ने पिया, उसे एनर्जी और आ गई थी। और जब वापस आए तो आप लोगों का लजीज ब्रेकफास्ट और लंच वास्तव में काबिले तारीफ है। आप इस जगह पर भी बहुत अच्छा खाना सब लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं और खाने के साथ में खाना तो आप अच्छा प्रोवाइड करा ही रहे हैं। और जो उसके साथ जो सबसे बड़ी आप लोगों की एक सर्विंग की भावना है कि आपने अगर खाना जरा सा ठंडा भी हो गया तो उसको भी बोला नहीं गर्म रखें। और जो मेंबर्स ने यहाँ पर डिमांड करी कि सपोज नींबू पानी चाहिए या इस समय चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, दूध चाहिए, आपने बगैर किसी देरी के रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक आपने प्रोवाइड कराया। इसके लिए मैं वापस मोशन कोटा परिवार की तरफ से आप लोगों को थैंक्स बोला चाह रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट एक्सपीरियंस था ये, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी जगह जाने को मिलेगा और इतना अच्छा सारे अरेंजमेंट होंगे और खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सारे अरेंजमेंट जो थे वो भी बहुत अच्छे थे और ट्रैकिंग सबसे अच्छी थी। रात हम गुफा में गए और हमने वहाँ पर मतलब इतना अच्छा कभी सोचा नहीं था ऐसी जगह को भी जाने को मिलेगा। और थैंक यू सो मच विशाल सर, पॉसिबल कर दिया आपने मेरे लिए। चलो मैं तो लेके चलूंगा, कुछ भी हो चढ़ना है तो चलना ही है, पर चढ़ना है। सर बाकी सब तो बहुत अच्छा ही था, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट सर बहुत सपोर्टिव करके आपने मुझे चढ़ा दिया आके लास्ट में और उतार के जिंदा लेके ही आना है।